आज के इस वीडियो में हम मेल इनफर्टिलिटी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक सोशल टैबू है। जी हाँ, एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब कि स्पर्म काउंट जीरो होना। मैं हूं डॉक्टर चिराग केवड़िया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट एसजी वुमेन्स हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत से। जी हाँ, आपने भी कई बार सुना होगा कि कोई मेल के सीमेन एनालिसिस में उसके स्पर्म काउंट जीरो होता है। उसकी सीमेन की क्वांटिटी सही होती है लेकिन स्पर्म काउंट जीरो देखने को मिलती है। एजोस्पर्मिया डायग्नोसिस करने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 बार सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट करवाने के लिए जरूरी है और ये रिपोर्ट कुछ दिनों के अंतर के बीच में होना चाहिए। स्पर्म काउंट जीरो होने के कारण आपको कोई शर्माने की या तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी असर आपके सेक्स लाइफ पर बिल्कुल नहीं होती है और इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि आप नामर्द हो। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी यह प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसको कुछ अलग नज़रिए से मत देखिए। जैसे हमारे शरीर में और कई सारी बीमारियाँ होती है वैसे ही यह प्रॉब्लम एक साधारण सी तकलीफ है। अब समझते हैं कि एजोस्पर्मिया क्यों होता है और किस प्रकार के होते हैं। कॉमनली एजोस्पर्मिया 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। नंबर 1, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब कि आपके टेस्टिस में स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन स्पर्म के बाहर आने के पैसेज में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण वो स्पर्म बाहर नहीं आ रहा है। इस पेसेज का ऑब्स्ट्रक्शन होने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है या तो कोई इंजरी हो सकती है या तो कोई सर्जरी करवाने के कारण भी यह पेसेज ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। कई केस में जन्मजात ये जो वास डेफरेंस होती है वही ही एब्सेंट होती है, जिसको हम कंजेनेटल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस बोलते हैं, जिसके कारण स्पर्म आपके टेस्टिस में जो बन रहे हैं लेकिन वो पेसेज ब्लॉक होने के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में अगर आप अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे तो आपकी टेस्टिस की साइज नॉर्मल होगी और अगर आप हॉर्मोन्स के रिपोर्ट करवाते हो तो उसमें FSH और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी नॉर्मल होता है। दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, मतलब कि इसमें पैसेज तो एकदम सही है लेकिन टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है या तो फिर बिल्कुल नहीं बनते हैं। जैसे कि अगर सामान्य कोई मेल में दिन के 2 या 3 करोड़ स्पर्म एवरेज बनते ही है लेकिन इस केस में स्पर्म टेस्टिस में हार्डली 2 से 5 हजार ही बनते हैं, जिसके कारण वो टेस्टिस में तो होते हैं लेकिन वो सीमेन में बाहर नहीं आ सकते हैं। उसके कारण सीमेन में हमें स्पर्म काउंट जीरो देखना मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। इस कंडीशन के पीछे कई सारे कारण होते हैं, उसमें सबसे कॉमन कारण है इडियोपैथिक एजोस्पर्मिया, मतलब कि इसमें आपके कोई रिपोर्ट्स में या तो कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन में या तो कोई डॉक्टर आपको एक अच्छी तरह से कारण नहीं समझा पाएंगे कि यह कंडीशन क्यों होती है, मतलब कि आपको कोई रीजन नहीं बता पाएंगे, जिसके कारण हम इसको इडियोपैथिक एजोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा है हॉर्मोनल प्रॉब्लम, जिसमें हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, मतलब कि ब्रेन में से जो स्पर्म प्रोडक्ट करने के लिए जो FSH और LH का सिग्नल मिलना जरूरी है वह सिग्नल ही कम मिलता है और उसके कारण स्पर्म प्रोडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा ओबेसिटी की मतलब कि वेट बहुत ज़्यादा होने के कारण भी आपके स्पर्म प्रोडक्ट पर इफेक्ट हो सकती है। तीसरा है, आजकल हम देखते हैं कि यंग मेल पेशेंट को भी कैंसर होता है तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए वो रेडियोथेरापी या तो फिर कीमोथेरापी लेते हैं, तो उसके कारण आपके टेस्टिस पर उसकी इफेक्ट होने के कारण आपके स्पर्म प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो हो सकता है। चौथा है वेरिकोसिल, जिसमें शुक्रपिंड के आसपास की नसें फूल जाती है और उसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन पे या तो स्पर्म की मैच्योरिटी पर असर होने के कारण स्पर्म काउंट जीरो देखने मिलते हैं। पांचवा है जीनेटिक प्रॉब्लम, मतलब कि वारसागत कोई प्रॉब्लम, जिसमें आपके वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन होने के कारण या तो दूसरी कोई सेक्स क्रोमोसोम की एरर्स के कारण आपके शरीर में स्पर्म प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। और किसी मेल पेशेंट में कभी कभी टेस्टिस शुक्राशय में होने की जगह वो एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब कि पेट के अंदर या तो फिर इंग्वाइनल कैनाल में होता है, जिसको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं और इस कंडीशन के कारण उसके स्पर्म प्रोडक्ट नहीं हो पाते हैं।
इसके अलावा कभी कभी टेस्टिस पर कोई इंजरी लगने से कारण या तो टेस्टिस का टॉर्जन होने के कारण भी उसकी जो फंक्शनलिटी है वो कम हो जाती है और स्पर्म प्रोडक्ट नहीं हो पा रहे। तो यह सब कंडीशन के कारण आपको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मतलब कि आपके टेस्टिस में ही स्पर्म नहीं बन पाते हैं। अगर इस कंडीशन में आप अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाते हो तो उसमें आपकी टेस्टिस की साइज नॉर्मल के मुताबिक थोड़ी सी कम होती है और हार्मोनल रिपोर्ट्स में आपके FSH और LH का लेवल या तो बहुत कम या तो फिर बहुत ज्यादा भी हो सकता है। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी नॉर्मल या तो थोड़ा सा कम देखना मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके सीमेन रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट जीरो है तो क्या आप अपने स्पर्म से ही पापा बन सकते हैं कि नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, आप बन सकते हो। और इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, क्या रिपोर्ट्स करवाने चाहिए, वो सब देखने के लिए आप मेरा एजोस्पर्मिया का पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिए और आप मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।